हेलो गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए अपना केमिस्ट्री का टॉपिक्स। इसमें को हम सिर्फ सीएसआईआर नेट नहीं कहेंगे, इसमें नॉट ओनली ऑफ सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री आती है, जैसे गेट एग्जाम लाइक आईआईटी जैम एग्जाम, ठीक है, अनदर एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो हम यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, जिन एग्जाम्स में क्या इंक्लूड होती है, केमिस्ट्री इंक्लूड होती है, तो सब जैसे सेट का एग्जाम होता है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं हर यूनिवर्सिटीज के अलग अलग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड एज वेल एज जो भी हम वाइवा वॉइस वगैरह देते हैं, तो उन सब में भी आपका ये काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा होगा लेक्चर नंबर वन ऑन क्वांटम केमिस्ट्री। तो क्वांटम केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो इससे पहले इरा चलता था क्लासिकल का। तो क्लासिकल की जब हम बात करते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो लाइट्स को ये मान के चलता है कि लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस है, कि लाइट कॉन्टिन्यूस मैनर में चल रहा है। लाइट क्या चल रहा है, एक कॉन्टिन्यू मैनर में चल रहा है। लेकिन जब हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री बेसिकली हमको ये बोलता है कि लाइट्स कॉन्टिन्यूस ना होकर के लाइट एक डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में। डिसकॉन्टिन्यूस का मीनिंग ये है कि लाइट यहाँ पर डुअल बिहेवियर रखता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी रखता है और लाइट साथ में वेव नेचर भी रखता है। आगे चल के इसको हाइजेनबर्ग ने प्रूव भी किया था। तो बेसिकली प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है ना, प्लैंक्स ने जहां से कंसीडर किया कि लाइट जो है वो मतलब डिसकंटिन्यूस है, तो यही डिसकंटिन्यूस बिहेवियर एक नई केमिस्ट्री का जन्म देता है जिसका नाम क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, यू कैन से क्वांटम मैकेनिक्स। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम देखें कुछ 6 to 7 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की बात करेंगे हम, ठीक हो गया, जो आपकी एकेडमिक्स में भी काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव में भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपका कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर हमको पोजिशन डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है, पोजीशन, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, हमको ये डिफाइन करना है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर आपको उस पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन करना है। तो ये पोस्टुलेट्स नंबर वन क्या कहता है कि अगर पार्टिकल का किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर आपको पोजीशन डिफाइन करना है तो हम वेव फंक्शन साई से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई को हम कंसीडर करते हैं कि पोजीशन एक्स और टाइम टी का ये फंक्शन है, और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। यू नो दैट यहाँ पर जो एच कट है ना, ये होता है रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, और एच कट को हम लिखते हैं एच अपॉन टू पाई, मतलब एच अपॉन टू पाई की जगह पे बेसिकली एच कट लिख दिया जाता है। पी यहाँ पर क्या कहलाएगा, पी यहाँ पर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स यहाँ पे आपको पता है जैसे पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ई यहाँ पर एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। अब आपको पता चल रहा है कि जो वेव फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो वेव फंक्शन क्या है, वो वेव फंक्शन है साई इज इक्वल टू ई की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। वो मैथमेटिक्स में एक फंक्शन पढ़ते हैं हम कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और वाई के साथ आई लिखा हुआ है तो हम इसको इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लें, मतलब अगर मैं जेड स्टार ले लूँ, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या कहता है कि जो भी आई है इमेजनरी नंबर है उसके साइन का रिवर्स हो जाएगा, मतलब अगर वो प्लस साइन है तो फिर वो माइनस साइन हो जाएगा, और अगर वो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। बेसिकली इमेजनरी नंबर आई जो है इसको लिखा जाता है अंडर रूट माइनस वन, तो आयोटा यानी कि आई का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन होता है, बिकॉज किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको एक इमेजनरी नंबर कहा जाता है। अब अगर हम कहें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है साई का,
तो साई का यानी कि वेव फंक्शन साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा बिकॉज आई तो एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसीलिए हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसीडर करेंगे जो कि क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस का आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। अभी मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर जो भी इमेजिनरी नंबर है उसका साइन हम रिवर्स ले लेते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ साइन टू साई स्टार कर दूँ तो आप देखोगे कि ई की पावर आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी लिखा हुआ ये पूरा और इनटू में e की पावर माइनस आई अपॉन एच कट पी एक्स माइनस ई टी। बेस सेम होने में पावर ऐड हो जाती है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि साइन टू साई स्टार की वैल्यू e की पावर जीरो और किसी भी चीज की पावर जीरो तो वैल्यू कितना आएगा वन। वन को हम लिख सकते हैं 100% दैट इज 100% प्रोबेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या है 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पर उस जगह पे प्रेजेंट होगा। साइन टू साई स्टार को ही लिखा जाता है एज साई स्क्वायर। तो ये आपने एकेडमिक में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि वेव फंक्शन साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्योंकि ये हमको एक परफेक्ट रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है। दिस इज द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट पोस्टुलेट था ये क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। इसके बाद हम अनदर पोस्टुलेट के ऊपर चलते हैं जो हमारा सेकेंड पोस्टुलेट है, वो क्या कहता है कि जो वेव फंक्शन साई है वो फाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसकी एक फिनिट वैल्यू होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, जो वेव फंक्शन साई है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब उसकी एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, कहीं फिर पहले जा रहा है फिर ब्रेक में बीच में कहीं ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी, जितनी भी एक्स और टी की वैल्यू उन सब पर वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस वेव फंक्शन होना चाहिए। ये है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड पोस्टुलेट। नाउ नेक्स्ट पोस्टुलेट क्वांटम मैकेनिक्स का क्या कहता है, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर आपको किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसी पार्टिकल की अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी एक पॉइंट पर एट पॉइंट या फिर एक स्मॉल इंटरवल में, एक स्मॉल इंटरवल में फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज एक लार्ज एरिया में या फिर एक लार्ज एरिया है बहुत बड़ा एरिया है उस बड़े एरिया में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि अगर पॉइंट पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिर्फ आप वेव फंक्शन साई और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी स्मॉल इंटरवल में निकालना है प्रोबेबिलिटी साई इनटू साई स्टार यानी कि वेव फंक्शन उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो साथ में एक स्मॉल वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हम कहते हैं एलिमेंटल वॉल्यूम या वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट। अगर लार्ज एरिया में प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या करो जो आपका साइन टू साई स्टार जो आपने स्मॉल इंटरवल में लिया था उसका इंटीग्रेशन कर दो पर लोअर लिमिट से अपर लिमिट तो भी वहाँ पे लिमिट रहेगी। अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर देते हो तो लार्ज एरिया में क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी कि उस पर्टिकुलर साइन पर वो पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये था क्वांटम मैकेनिक्स का थर्ड पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट क्या है, ये हमारा पोस्टुलेट है बेसिकली है हर्मिशियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग में। हर्मिशियन ऑपरेटर, अब अगर हम हर्मिशियन ऑपरेटर देखें कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, कोई भी ऑपरेटर एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन ये है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, वेव फंक्शन हमने लिया साई स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मैंने यहाँ पर ए ऑपरेटर लिखा, ऑपरेटर आपका डिफरेंशिएशन का हो सकता है, प्लस हो सकता है, सबट्रैक्ट हो यानी कि नेगेटिव हो सकता है, इनटू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनटू वेव फंक्शन साई डी टा, ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए माइनस इनटू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी साई ए ऑपरेटर साई स्टार डी टा। मीन्स ये है पहले हमने वेव फंक्शन साई को ऑपरेट किया था पर अब हम वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ही केस में वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। तो एस ऑपरेटर को इस ऑपरेटर आप यूज कर रहे होंगे, एस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर नाम दे दिया जाता है, ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट कंडीशन आपका ये कहता है कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन क्या है। तो व्हाट इज आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, जब हम बात करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन की तो एक सिंपल सा इक्वेशन आप फॉलो होता है एस आई इज इक्वल टू ई आई,
HSI is equal to ESI क्या represent कर रहा है, जब हम लिखते हैं HSI is equal to कितना है ESI है, तो यहाँ पर H आपको represent करता है operator को, psi represent करता है यहाँ पर wave function, P यहाँ पर represent करता है eigen value, P क्या represent करता है eigen value, और psi यहाँ पर represent करता है eigen function को। तो let us suppose हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है h psi is equal to e psi, ये जो फंक्शन है h psi is equal to e psi, तो कंसीडर कर लेते हैं कि ऑपरेटर है वो डिपेंडेंट का है, और जो वेव फंक्शन psi है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ sin x है। तो अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ d upon dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 into cos x। क्या sin x equal to cos x है? नहीं, दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं है, सो नॉट सेटिस्फाइड, ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन सेटिस्फाइड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो गया। नाउ अनदर, हम एच इक्वल टू दोबारा से डी अपॉन डी एक्स लेते हैं, लेकिन अब मैं वेव फंक्शन जो है वो इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ, डिफरेंशिएशन करो, तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर टू एक्स, e की पावर का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वो जैसा है वैसा ही रहता है, तो ये ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन पावर का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो x के रिस्पेक्ट में x तो 1 हो जाएगा, तो ये आंसर कितना आएगा 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 e की पावर 2x। अब वेव फंक्शन देखो रिपीट हो गया, सेटिस्फाइड, वेव फंक्शन रिपीट हो रहा है, यही तो हमें चाहिए था कि h psi इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, e psi, मतलब वेव फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसके साथ में जो दो लेकर आया है ये होगा हमारा e means आइगन वैल्यू, और psi जो हमने फंक्शन लिया था e की पावर 2x, ये होगा हमारा आइगन फंक्शन, तो इसको कहते हैं आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन। ये क्वांटम मैकेनिक्स का आपका फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट था। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ये होता है एवरेज वैल्यू, ये हम पढ़ेंगे जब पार्टिकल इन बॉक्स हाइड्रोजन एटम वगैरह पढ़ेंगे, तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एंड इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के बीच टेल हो गया, तो ये ए का जो एवरेज वैल्यू लिखा जाएगा दैट विल बी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट साई, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन ए ऑपरेटर साई डी, तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, एवरेज वैल्यू को। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स कहता है सेवंथ नंबर पोस्टुलेट और लास्ट पोस्टुलेट है, क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी वेरिएबल हैं, मैंने सबसे पहले यही बताया था कि क्लासिकल केमिस्ट्री में के क्लासिकल मैकेनिक्स में लाइट को कंटीन्यूअस माना जाता है, लेकिन क्वांटम के में लाइट को डिसकंटीन्यूअस माना जाता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन हर वेरिएबल्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक डेफिनेट ऑपरेटर प्रेजेंट है, अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है कि ऑपरेटर क्या है। वेरिएबल्स तो लाइक टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना, एंट्रोपी होती है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर ये वेरिएबल्स होते हैं, इनके करस्पॉन्ड्स में ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होगा, या फिर मोमेंटम है, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होगा, तो यहाँ से एक अनदर टॉपिक स्टार्ट होता है विच इज ऑपरेटर। सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेटर्स। आज की क्लास में देखा द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट सेवन पोस्टुलेट्स को हमने डिस्कस किया। आई होप सो आपको समझ में आएगा।